कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, मौत के आंकड़े भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश में अब तीसरी लहर का खौफ बना हुआ है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी धीरे धीरे थमने लगी है। भारत के हर राज्य में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 37,012 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में ही 56,985 लोग कोरोना की खतरनाक बीमारी से रिकवर हुए हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। ये आंकड़ा 1,000 से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना की वजह से 907 लोगों की मौत हुई है। भारत में भले ही कोरोना वायरस के मामले कम हुए हैं, लेकिन इस बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। वहीं तीसरी लहर की आशंका भी एक नया खौफ पैदा कर रही है। कोरोना के नए वेरिएंट के मामले 10% से बढ़कर अब 51% तक पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी संसदीय समिति को दी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने हंगामा मचा रखा है। तीसरी लहर का खौफ पहले से ही है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़कर 51% तक पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति को इस बात की जानकारी दी है। कोरोना के चिंताजनक वेरिएंट्स के मामले में 10% से बढ़कर 51% हो गए हैं। सूत्रों की माने तो समिति को यह भी बताया गया है कि देश में निर्मित दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट के लिए कारगर हैं, लेकिन ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड के असर को लेकर किए गए अध्ययन में ये पता चला है कि कोरोना के नए वेरिएंट के लिए इनकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा घट जाती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।